जय हिंद। आज के वीडियो में देखते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है कि जो गिवन सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा या नहीं होगा। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको आई बटन पे यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है ए इज फर्स्ट टर्म, ए जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कहते हैं, डी जो है कॉमन डिफरेंस, इसको हम कॉमन डिफरेंस, एन जो है nth टर्म है, ठीक है, और n जो है ये भी nth टर्म है। तो हमें निकालना है कि an की वैल्यू क्या होता है। तो an जो होता है, an का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में बताया था, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे a क्या होता है फर्स्ट टर्म, n क्या होता है nth टर्म और d क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पे है, ए एन के पास। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए एन, और गिवन क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 3। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में ए एन की जगह पे हम फिल करेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और ए एन की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां देखिए ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। तो इसको सॉल्व करिए, 7 है तो 7 प्लस 8 में से एक गया तो 7 इंटू 3, ये 7 है तो 7 प्लस 7 3 जा 21, ये ऐड हो गया कितना आ गया 28। एन के वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 28। ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भर देंगे 28। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पे a की वैल्यू दिया है -18, d हमें क्या करना है ब्लैंक है तो इसको हमें फाइंड आउट करना है, n है 10 और an की वैल्यू क्या है 0। तो an का फॉर्मूला हम लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब पुट करते हैं वैल्यू, an के वैल्यू कितना है हमारा 0 इक्वल टू ए के वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू कितना है 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कुछ नहीं है तो हमें क्या करना है डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए -18 आरएचएस में है तो इसको हम एलएचएस में लेके आएंगे, तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 10 में से 1 गया तो 9d। ठीक है, अब d की वैल्यू निकालेंगे तो 9 जो है इधर आके क्या करेगा डिवाइड कर देगा 18/9, 9 से कितनी बार में कटा 2 बार में, तो यहाँ के क्या आ गया 2, d इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लैंक में क्या भर देंगे 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां देखिए a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू दिया है -3, n की वैल्यू क्या है 18 और an की वैल्यू क्या है -5। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है -5 इक्वल टू a की वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है प्लस n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना दिया है -3।
ठीक है, माइनस फाइव है तो माइनस फाइव इक्वल टू ए प्लस 18 में से मान गया तो कितना आया 17 इंटू ये माइनस थ्री का माइनस थ्री, यहां देखिए माइनस फाइव, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस तो क्या आ जाएगा माइनस 17 और 3 में कितना आ गया 51। ठीक है, यहां देखिए 51 जो है यहां पे माइनस में, इसको हम एलएचएस में लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 51, माइनस 5 प्लस 51, इसको माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 46। ठीक है, ये हो गया हमारा ए की वैल्यू, और यहां पे हम क्या पुट कर देंगे 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है माइनस 18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन क्या है ब्लैंक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है एन की वैल्यू, और ए एन की वैल्यू कितना दिया है 3.6। ठीक है, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे एन की वैल्यू पुट करते हैं तो एन क्या है 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस 18.9 प्लस एन तो कुछ नहीं है तो एन को एन ही रखेंगे माइनस 1, और डी की वैल्यू 2.5। अब देखिए 3.6 है तो 3.6 इसको हम एलएचएस में लेके आएंगे तो माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब इन दोनों को ऐड करिए 18.9 प्लस 3.6 96 ऐड हुआ तो 15 83 11 2 1 2 22.5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 22.5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। जब n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2.5 जाए क्या करेगा 22.5 में डिवाइड कर देगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। यहां देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो ये क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, तो ये कितना आएगा 225 अपॉन 25। ठीक है, देखिए अब इसको कट करिए 25 9 जा 225, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितना आ गया 9, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, यहां पे n की वैल्यू क्या रख देंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां देखिए a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105, और an की वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an की जगह पे कुछ नहीं है तो an इक्वल टू a की वैल्यू 3.5 प्लस n n की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0, 3.5 है तो 3.5। यहां देखिए 0 जब है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 0, तो हमारी एन की वैल्यू क्या आ गई 3.5, तो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे 3.5। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारी वेबसाइट theeducationplanet.org पर जाइए और इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स को पढ़ लीजिए। धन्यवाद।